तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल फॉर्मूले के बारे में। तो हमने होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, तीन मेनू कंप्लीट करके हम फॉर्मूला में आ चुके हैं। और लास्ट की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो चुका है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं लॉजिकल कैलकुलेशंस। लॉजिकल कैलकुलेशन मतलब ये होता है कि लॉजिकल पैरामीटर को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है कि मुझे पता करना है कि क्या सारे नंबर ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, जस्ट पता करना है। तो मुझे सिर्फ ये चीज पता ही करनी है तो मैं यही पे डायरेक्ट ग्रेटर देन 50 टाइप कर दूंगा। यहाँ देखिए कि A1 इज ग्रेटर देन 50, A1 ग्रेटर देन 50। ओके, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके लिए तो हम इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, क्या सर? ठीक है, बट इफ फॉर्मूला का काम ये नहीं है कि आपको चेक करके देता है। इफ फॉर्मूला का काम है कि ये जो नंबर, ये जो ट्रू एंड फॉल्स है, इसके जगह पे आप अपने हिसाब से कोई पर्टिकुलर रिजल्ट ले। जैसे कि इक्वल इफ में हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने बोला ओके एंड पेंडिंग, राइट सर? अच्छा ये अब अच्छा चले, आपने शुरू कर दिया, लेकिन ये फॉर्मूला लिखता कैसे है? मैंने कभी यूज नहीं किया। मैं बताऊं, समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। तो अगर आपको जस्ट चेक करना है कि हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इक्वल प्रेस करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर देंगे और अपना कंडीशन देंगे, चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, और फिर उसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए या कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जहां मैच करेगा वहां पे ट्रू आएगा, जहां पे मैच नहीं करेगा वहां पे फॉल्स आएगा। जैसे 95 इससे बड़ा है तो ट्रू आ गया, ठीक है, बाकी मैच भी किए तो फॉल्स आ गया। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? तो जैसे मैंने मैथमेटिकल ऑपरेटर बताया था, उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है। तो होता है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। मतलब कि यहाँ आपने लगाया ना सिंबल, इस सिंबल के जगह पे इतने सारे सिंबल्स आप लगा सकते हो। इक्वल के लिए होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। अब ये चीज आपने पढ़ी होगी अपने 9th और 10th के लॉजिकल मैथमेटिकल की क्लासेस, बिल्कुल शायद आपको याद हो। हाँ जी बिल्कुल, एक्स और चीजें भी होती है उसी में। बात करते हैं कोई फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं। जैसे आपने पूछा, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये डिसाइड होता है इस पे आपकी रिक्वायरमेंट। जैसे मुझे यहां पे इस ट्रू फॉल्स की जगह पे ओके और पेंडिंग का रिजल्ट चाहिए, राइट? तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं इसको ट्रू एंड फॉल्स के जगह पे ओके और पेंडिंग दू। तो इस काम के लिए क्या करता है? इफ फॉर्मूला। आपको पता चल गया कि इसके लिए इफ यूज होता है। तो हम इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करते ही एक्सेल समझ जाता है कि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। देन अपना फॉर्मूला का इनिशियल टाइप करना शुरू कीजिए। जैसे वर्ड टाइप करेंगे नीचे आपको सजेशन आ जाए, पूरा टाइप करने का मन तो पूरा टाइप कीजिए, अदरवाइज आप एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है उस पर अपना कर्सर ले जाइए और टैब की प्रेस कर दीजिए, याद रखिएगा टैब की। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला का डेफिनेशन दिख रहा है,
अगर इस फॉर्मूले के बारे में अगर नहीं अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जिस अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं, तो इसको देख सकते हैं। फिर टैब प्रेस कीजिए, टैब प्रेस करते ही आपके सामने फॉर्मूला का इनपुट ब्रैकेट ऑटोमेटिक ब्रैकेट आ जाएंगे और ये इसके साइंटेक्स आ जाएंगे। साइंटेक्स मतलब इस फॉर्मूले में कितने इनपुट्स हैं और किस तरह के इनपुट्स हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका यही है कि अपना इनपुट दीजिए और कैलकुलेट करके आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसमें तीन इनपुट है, लॉजिकल वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स, तीन इनपुट हो गए। ठीक है, तीन इनपुट्स हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि एक इनपुट जो है वो है रिक्वायर्ड, दो इनपुट जो है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल रिक्वायर्ड क्या होता है, देखिए लॉजिकल टेस्ट दिए बगैर मैं नहीं निकल सकता, मुझे लॉजिकल टेस्ट में ट्रू एंड फॉल्स तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू फॉल्स एंड वैल्यू ट्रू आपकी जरूरत के हिसाब से डालिए, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो इसका डिफॉल्ट रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू फॉल्स नॉट, और यहाँ पर भी टेक्स्ट हमेशा कोटेशन में आना है, हमेशा नहीं नहीं टेक्स्ट, हाँ किसी फॉर्मूला में टेक्स्ट को डबल कोटेशन नहीं लिखेंगे, रेफरेंस मतलब कि A1 B1 C1 जो होता है रेफरेंस कहलाता है, रेफरेंस किसी तरह का फॉर्मूला और किसी तरह का नंबर विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आएगा, बाकी जितने भी टेक्स्ट है वो इन्वर्टेड कॉमा में ही आएंगे। हमने एंटर प्रेस कर दिया तो फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ ट्रू का पार्ट डाला था, फॉल्स पार्ट डाला ही नहीं था। आपकी रिक्वायरमेंट फॉल्स पार्ट की है तो फॉल्स पार्ट डाल दो, मतलब कि इसमें जो ऑप्शनल वाला पार्ट होता है वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आपको चाहिए तो डालिए, नहीं चाहिए तो नहीं डालिए। ओके, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि ऑप्शनल है और ट्रू है। देखिए उस रिक्वायर्ड है, जो सिंटैक्स रिक्वायर होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होता है जैसे लॉजिकल टेस्ट, और जो ऑप्शनल होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज, जो लोग भी इसको इफ यूज कर लेते हैं वो बोलते हैं सर हम तो डायरेक्ट इस तरह से नहीं देते कि एक सेल में कंडीशन लगाते हैं दूसरे सेल में हम यहाँ इफ लगाते हैं, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे इफ लगाते हैं और बोलते हैं कि ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 एंड ओके अदरवाइज पेंडिंग। जी हाँ, हम जनरली ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था जो ये लॉजिकल कैलकुलेशंस है ए इफ का पार्ट नहीं है, ए इंडिविजुअल है, यहाँ हम इफ के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब दो तरह की फॉर्मूला ही कर लीजिए, एक तरह से दो तरह के फॉर्मूले को एक सेल में हम कंबाइन कर रहे हैं ताकि हम जगह बचा सके, वरना हमें दो लाइन लिखने पड़ते, अब मुझे सिर्फ एक लाइन लिखने पड़ रहा है। ओके, ठीक है। तो आप इसमें दो चीजें सीखी, आपने एक अपना इफ फॉर्मूला लगाना सीखा, ठीक है, दूसरा आपने सीखा लॉजिकल ऑपरेशंस, और आपने सीखा कि किसी भी फॉर्मूले को लगाते समय सिंटैक्स में कैसे पहचानना। दूसरी चीज, अब मान लीजिए कि मुझे फॉर्मूला उतना अच्छी तरह से नहीं आता है, राइट? ठीक है, तो फॉर्मूला को आप इक्वल करके मत लगाइए। यहाँ fx आपको दिख रहा है, हाँ जी, fx पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ऑल को सिलेक्ट करके अपना इफ फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए। आ गया इफ आ गया, को सिलेक्ट करते यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और यहाँ पे इनपुट्स क्या क्या चाहिए आ गया, आप ओके करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने सिलेक्ट कर लिया ग्रेटर देन 50। लॉजिकल टेस्ट क्या है, यहाँ डेफिनेशन आ रहा है, इज एनी वैल्यू और एक्सप्लेन दैट कैन बी एवलेट ट्रू एंड फॉल्स, समझ में आ रहा है? Okay. वैल्यू ऑफ ट्रू पे आइए, तो वैल्यू ऑफ ट्रू पे आपके सामने आ रहा है कि वैल्यू ट्रू क्या होता है, अब दे दीजिए यहीं पे आप।
अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो इन्वर्टेड कोमा में ले लेगा, ये समझदार होता है सर। हाँ ले लिया, ले लिया। अब यहाँ पे रिजल्ट भी दिखा दिया इसने कि इसका रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है ठीक है। अब इसमें आता है कि फिर भी मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो साइड में आपका इसका एक्सेल हेल्प खुल के आ जाएगा, जहां इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, बताया हुआ है सर, सॉरी। जैसे कि आप यहां देखिए, देख गया और एग्जांपल के साथ इसमें इसका वीडियो भी दिया हुआ है, वीडियो भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ है ना सर, दिख रहा है ना सर? ठीक है सर। और इससे रिलेटेड और भी जो फंक्शंस है वो भी आपको यहाँ दिख रहा है। हाँ जी, एक तरह का ये चीज होगी। तो आपको YouTube पे या गूगल पे इस तरह की चीजें सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सेल हेल्प ही आपको उसके बारे में मिल जाए। हाँ, ट्रिक्स जो होते हैं वो ट्रिक्स इस चीजों पे नहीं मिलती है, ट्रिक्स क्योंकि ट्रिक्स तो हम लोग जैसे आदमी डिफाइन करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए समझ गए, समझ गया सर। फॉर्मूला लगाने आ गया सर, ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्विक था, ये मन के इजी था, ये एफएक्स वाला इंसर्ट फंक्शन वाला। तो बात ही है ना कि हर बार आप एफएक्स पे क्लिक करके नहीं लगा सकते ना सर। हाँ सही बात है। अब आपको साइकिल जैसे आपके अपने बेटे को साइकिल चलाने के लिए दीजिएगा तो वो ना गिरे, इसके लिए दोनों तरफ से एक जो सपोर्टिंग व्हील लगा दीजिएगा तो ठीक है, सपोर्टिंग व्हील लग रहा है, बड़ी अच्छी चीज है, हमें साइकिल सिखाने की जरूरत है, लड़का खुद साइकिल सीख रहा है, खुद चला रहा है, नहीं गिरेगा, गिरने का चांस ही नहीं है, सपोर्टिंग व्हील है। लेकिन कब तक सपोर्टिंग व्हील देंगे उसको आप? एक टाइम उस व्हील को आप निकालेंगे और बोलेंगे बेटा एज ही चला, अब ना गिरेगा। तो वही वाला वही सेम चीज यहाँ पर है कि इस तरह से आप एफएक्स से निकाल सकते, लगा सकते, लेकिन जब बड़े बड़े फॉर्मूले होंगे, कॉम्प्लिकेट फॉर्मूले होंगे, तो हर फॉर्मूले को यहां से नहीं लगाया जा सकता ना सर। ठीक है सर, ठीक। और दूसरी बात, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और किसी के सामने एफएक्स लगाकर लगाएंगे, क्या बोलते हैं इसके, मैं ही अगर माने कि फॉर्मूला एक डेफिनेशन देख के लगाऊं तो सामने वाला सोचेगा कि मुझे आता ही नहीं है, मैं पढ़ पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक, समझ गया सर। हाँ, शुरुआत में बड़ी अच्छी चीज है शुरुआत करने के लिए, बट ये चीजें बोली इसलिए ताकि आप इस पे डिपेंडेंट ना हो जाए। ठीक 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 ठीक। और बेटे का एग्जांपल इसे दिया कि बेटे ने साइकिल की नुमाइश की है तो जुबान पे आ गया, मैंने बोल दिया ठीक है। चलिए, तो अब आगे हमने इस फॉर्मूला सीख लिए। हाँ जी, पता चल गया मुझे। चलिए इफ के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि इफ फॉर्मूला काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा स्लोली और खूब ज्यादा प्रैक्टिस करके सीखिए, इस पे जितना ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस और रिसर्च करेंगे तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इफ फॉर्मूला आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत आगे तक। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम्स है, कुछ लिस्ट ऑफ नेम हमने लिया हुआ है, ज्यादा हो गया, कुछ ही होना चाहिए था। मुझे क्या करना है, इसमें से यूनिक को निकालना है। हालांकि यूनिक निकालने के तो बहुत तरीके हैं, हम इसको कॉपी करेंगे, कहीं और पेस्ट करते हैं, और इसमें हम कर देंगे रिमूव डुप्लीकेट। हाँ, या फिर इसका तरीका है कि हम इसमें फिल्टर लगाएंगे, एडवांस फिल्टर, और इसमें कर देंगे यूनिक रिकॉर्ड ऑनली। लेकिन ये चीज तो है ही, लेकिन हम इफ सीख रहे हैं तो चलिए इफ के जरिए कैसे करेंगे, कभी जरूरत पड़ गई इफ के थ्रू निकालने की। यूनिक हम इफ के थ्रू कैसे निकालेंगे, यूनिक मतलब कि पहला यूनिक पहले जो इसके सामने है, जैसे पहला नेम उसके सामने यू लिखा आ जाए और दूसरे में डी आ जाए, मतलब डुप्लीकेट, तो ऐसे नहीं होगा। इसको आपको करना पड़ेगा शॉर्टिंग, ठीक है, इसको करना पड़ेगा आपको शॉर्ट में नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेट शॉर्ट कर दीजिए, इससे क्या होगा जितने भी नाम होंगे वो इकट्ठा एक जगह आ गए। ठीक है, अब मैं
मैंने यहां पे क्या किया, फॉर्मूला लगाया कि इक्वल इफ अगर ए इक्वल टू अमर है, सॉरी ए टू अगर इक्वल टू है बराबर है ए वन से, मतलब सामने वाली वैल्यू बराबर है अपने से ऊपर वाली वैल्यू से, इसका मतलब है कि डुप्लीकेट है, नहीं तो यूनिक। कंडीशन समझिए सर, ये जहां फॉर्मूला लग रहा है उसकी सामने सेल वाले सेल की वैल्यू बराबर है अपने से ऊपर वाले सेल की वैल्यू, मतलब कि ए टू बराबर है ए वन से, इसका मतलब है डुप्लीकेट है, नहीं बराबर है तो यूनिक है। तो यहाँ पे बराबर नहीं है तो यूनिक आया, लेकिन जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो गया ना ए टू इक्वल टू ए थ्री, क्योंकि जब रेफरेंस को चेंज किया ना। हाँ जी, और इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो जो फर्स्ट नाम होगा उसको इसी तरह से यूनिक दे दिया। हाँ जी दे दिया। समझ आ गया आपको एग्जांपल? समझ गया मैं। अच्छा ये दूसरी एग्जांपल, मुझे सबको सीक्वेंस नंबर देना है 1 2 3 4 5 इस तरह से सबको सीक्वेंस देना है। मैं 5 6 7 8 यहाँ पे फिर नाम चेंज हो गया तो ये 1 से स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम समझ आई? हाँ जी समझ आ गया। प्रॉब्लम की सलूशन होगा इफ, इफ फॉर्मूला अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो यहाँ पे अपने जहां फॉर्मूला लग रहा है वो अपने ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर देगा, नहीं तो वन से स्टार्ट करेगा। कंडीशन देख लीजिए, अगर ए टू बराबर है ए वन से, मतलब दोनों आपस में बराबर है, मतलब इस नंबर को कंटिन्यू करना है और नहीं तो वन देना है। अब लो सर सी वन तो ब्लैंक है, तो हमारे स्टार्टिंग है ना सर, तो 0 + 1 = 1 ही तो होगा। ठीक है, तो होगा क्योंकि ब्लैंक सेल 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब जैसे मैं नीचे यहाँ इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए क्या हो गया, A3 = A2। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं, सिंपल तरीके हैं, तो लेकिन यहाँ तो हम इफ सीख रहे हैं ना, तो इफ सिलेक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी आपने ये। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 तक आ गया, फिर 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक ठीक ठीक। अब मान लीजिए कि हम इसमें उल्टा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर दे, मतलब कि एक ही नंबर होना चाहिए, हर एक को एक यूनिक नंबर देना है। जैसे अमर को 1 दे दिया तो देव को 2 आएगा, ठीक है, इसको 2 आएगा इस तरह से, समझे? ठीक है समझ गया। तो यहां पे कंडीशन क्या होगा, यहां होगा कि इफ अगर ए अपने के ऊपर वाले के बराबर है तो गिव अस 1, रिजल्ट ऊपर वाले रिजल्ट को ही कैरी कर लो, कोई प्लस प्लस नहीं करना है, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू में हमें प्लस 1 करना है। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, तो ये देखिए इसने देखा कि ऊपर वाले वैल्यू में दोनों बराबर है तो 1 को ही कैरी कर दिया नीचे D2। अब यहां देखा दोनों बराबर नहीं है तो फिर इसने D8 + 1 कर दिया, मतलब कि नेक्स्ट नंबर शो कर दिया। ओके ठीक है, अब सीरियल नंबर की बात आती है, चलिए हम सीरियल नंबर जनरेट करते हैं। तो यहां अगर सीरियल नंबर जनरेट करना है तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और नीचे ड्रैग कर देते हैं, यही करते हैं ना सर? बिल्कुल, लेकिन फॉर्मूले के थ्रू करना हो तो हम क्या करते हैं, इक्वल इसमें प्लस 1 कर देते, A2 + 1 कर दिए तो नीचे करेंगे तो A3 + 1 A4 + 1 ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, तो सीरियल नंबर जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि मैं मान लीजिए 5 से स्टार्ट करना था, यहाँ मैं 5 डालूंगा तो 5 से स्टार्ट हो जाएगा और बाकी अब मैनेज हो जाएगा, इसलिए इस तरह का हमने सीक्वेंस दिया। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे आता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे टॉप 10, तो ये 1 से लेके 10 तक का ही नंबर शो, नीचे का ब्लैंक हो जाए।
मतलब जितना मैं यहाँ डालूंगा, मैं 15 डाला तो 15 का ही दिखा है, 30 डाले तो 30 का दिखा है, समझे? ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा। इफ अगर ए टू प्लस वन करने पे ग्रेटर देन हमारा टॉप 10 होता है, जो टॉपर है वो, तो यहाँ पे ब्लैंक करो, अदरवाइज इसमें प्लस वन। तो ब्लैंक के लिए हमने क्या किया, कोटेशन मार्क ओपन किया और क्लोज कर दिया, अभी इसमें कुछ नहीं लिखा तो ब्लैंक हो गया। ठीक है, कंडीशन देखिए कि ए टू प्लस वन अगर ग्रेटर देन डीएन है, डी वन है, तो स्टार्ट किया और एंड किया, अदरवाइज ए टू प्लस वन कर दिया। तो अभी से क्या है कि नीचे ड्रैग करेंगे तो ए टू ए थ्री ए फोर फाइव होगा, पर डी वन डी टू हो जाएगा। हमने आपको पहली क्लास में बताया था ना डॉलर मेथड, हाँ जी, तो यहां लगा देंगे ताकि फिक्स हो जाए। अब आप देखिए इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, आपको लगता है कि एक संभावित इतना हो सकता है तो उतना ही नंबर जनरेट कर रहा है। यहाँ 20 कर दूंगा तो 20 कर रहा है, 10 करूं तो 10 कर रहा है, ठीक है? ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ एरर दे रहा है। अभी एरर क्यों दे रहा है इसको समझिए। एरर इसलिए दिया कि हमने भी कंडीशन क्या दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि ए 12 प्लस 1। अब ए 12 में क्या है, ब्लैंक है ना, ब्लैंक, ए सब सेल वाली ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक मतलब कि जीरो है, बट ए सेल ब्लैंक मतलब कि टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट में क्या सर, प्लस वन होगा नहीं, इसलिए एरर दे रहा है। तो मुझे इस एरर को स्किप करना, मतलब कि इग्नोर करना है, एरर एरर के जगह पे कुछ और दिखे। तो इसी में आपके इस फॉर्मूले को आप इफ एरर फॉर्मूले के अंदर में डाल दीजिए। देखिए ध्यान से, इफ एरर और यहाँ पर ब्लैंक। इफ एरर के पास दो पार्ट है, दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है जो वैल्यू वन, दूसरा इफ एरर, मतलब कि इसमें पहले पार्ट में हमने क्या डाल दिया, मैं इसको दो पार्ट है, तो पहले हमने डाल दिया इफ का फॉर्मूला और हमने डाल दिया मतलब कि अगर ए इसका फॉर्मूला एरर दिया तो इफ इसको शो करेगा, रिजल्ट दिया तो इसको शो करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। जब आपने बोला था कि ऊपर वाला जो है वो जो सेल है वो ब्लैंक है, तो उसमें वो उसको एज अ टेक्स्ट ले रहा था, लेकिन जब हम बात कर रहे थे कि जो एक 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 यहाँ पे कोई भी सेल है तो वो ब्लैंक है, तो वो टेक्स्ट है या वो नंबर है? जीरो, ये नंबर है, ये ब्लैंक, जीरो है, इक्वल टू, इक्वल है ना। तो फिर वहां पे जब वो जीरो था तो उसको उसके फिर एरर क्यों दे रहा है? हमने फॉर्मूले से ब्लैंक किया है ना, हमने टेक्स्ट वाली ब्लैंक दिया ना, इनवर्टर ओपन क्लोज, ठीक समझ गए? हाँ जी इनवर्टेड कॉमा लग गया, इसका मतलब जीरो है, समझ गया? ठीक है, चलिए अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ नेम है, और भी एड्रेस हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें इतना ही है। तो हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते समय वन लिखते हैं और नेम में यहाँ पूजा देते हैं, फिर यहाँ पे टू ऑटोमेटिकली आ जाता है, आ गया, टू लिखते हैं और यहाँ पे नेम लिखते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे टू ऑटोमेटिकली आए, हम सीरियल नंबर ना दे, जैसे हम बी में टाइप करें मेरा सीरियल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाना चाहिए। हम बी में टाइप ना करें और सीरियल मेरा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। तो यहां हम इफ का फॉर्मा लगाएंगे कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, हमने अभी आपको बताया कि जो ब्लैंक सेल जीरो होता है, अगर हमने कुछ भी टाइप कर दिया तो ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो सामने वाली वैल्यू या नेम जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां पे आना चाहिए ऊपर वाली सेल में प्लस वन, मतलब कि जो से पहले का नंबर है उसने प्लस वन कर दिया, और फिर यहाँ पे अदरवाइज हमने ब्लैंक कर दिया, मतलब कुछ दिखो ही नहीं, ऐसा लगा कि फॉर्मूला लगा है उसमें, ठीक है सर? ठीक है, और एक संभावित एरिया कि हाँ इतने डेटा टाइप हो सकते हैं एवरेज, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, मैक्सिमम, सॉरी
अब यहां पे देखिए होम प्लस आ गया, ठीक है। डाउट इसमें कोई नहीं? नहीं नहीं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको यहां इफ के तकरीबन पांच से छह एग्जांपल दिए ना सर आपको, ठीक है। मैंने बोला कि इफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको थोड़ा सा स्लोली पढ़े। ये वाकई लॉजिकल है थोड़ा सा ना, प्रैक्टिस करते हुए पढ़े। तो मैंने आपको अब क्या करना है कि इफ को इस्तेमाल करना है, अब मुझे 10 एग्जांपल भेजने हैं कि देखिए मैं 10 जगहों पे इफ को ऐसे से इस्तेमाल किया, ठीक है सर। और कल ऐसे भी आपकी फ्राइडे है तो छुट्टी होगी,